हैं। फिलहाल सीधा रुख करते हैं, समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम को सौगात दे रहे हैं प्रधानमंत्री। महामिलनर तीर्थ कला कत जुग धीरे आही छे प्रकाकी हमन वर अर्थ, यानी ब्रह्मपुत्र का विस्तार बंधुत्व का, भाईचारे का, मिलन का तीर्थ है। सालों साल से ये पवित्र नदी मेल जोल का, कनेक्टिविटी का पर्याय रही है, लेकिन ये भी सही है कि ब्रह्मपुत्र पर कनेक्टिविटी से जुड़े जितने काम पहले होने चाहिए थे उतने नहीं हुए। इस वजह से असम के भीतर भी और नॉर्थ ईस्ट के अन्य क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हमेशा एक बड़ी चुनौती बनी रही। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के आशीर्वाद से अब दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बीते वर्षों में केंद्र और असम की डबल इंजन सरकार ने इस पूरे क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की दूरियों को कम करने का प्रयास किया है। हमने ब्रह्मपुत्र की शाश्वत भावनाओं के अनुरूप सुविधा, सुअवसरों और संस्कृति के पुल बनाए हैं, सेतु बनाए हैं। असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की फिजिकल और कल्चरल इंटीग्रिटी को बीते सालों में सशक्त किया गया है। साथियों, आज का दिन असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए इस व्यापक विजन को विस्तार देने वाला है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सरायघाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज आज असम का जीवन आसान बना रहे हैं। ये देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ही हमारे वीर जांबाजों को भी बड़ी सहूलियत दे रहे हैं। असम और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के इस अभियान को आज और आगे बढ़ाया गया है। आज से दो और बड़े ब्रिज पर काम शुरू हो रहा है। जब कुछ वर्ष पहले मैं मोजुली द्वीप गया था तो वहां की समस्याओं को करीब से महसूस किया था। मुझे खुशी है कि सर्बानंद सोनोवाल जी की सरकार ने इन मुश्किलों को कम करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किया है। मजुली में असम का पहला हेलीपोर्ट भी बन चुका है। भाई और बहनों, अब मजुली वासियों को सड़क का भी तेज और सुरक्षित विकल्प मिलने जा रहा है। आपकी बरसों पुरानी मांग आज पुल के भूमि पूजन के साथ ही पूरी होनी शुरू हो गई है।